Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Rabbi Zidni Ilma, we have already started our lecture with the very beautiful dua of the Holy Prophet. और आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 9 में कल हमने अपने वाइट बोर्ड पे बहुत डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था व्हाट द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन. और यू नो वेरी वेल कि हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी. वन ऑफ देम वाज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड अदर वन वाज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं एक एनिमेशन की तरफ. सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ व्हाट लाइट रिएक्शन, दैट इज फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ऑन दिस एनिमेशन, राइट. सो लुक एट दिस. दिस पर्टिकुलर plant have got many leaves, and any process that taking place in one leaf is taking place in all leaves of the plant. अब हम कर क्या रहे हैं कि हम इसमें से किसी एक लीफ को सिलेक्ट कर रहे हैं. नाउ यू सी कि आई एम गोइंग टू जूम इन टू द लीफ. जब मैं लीफ के अंदर मूव किया हूँ तो मुझे क्या नजर आया स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के मेसोफिल सेल्स हैं. एक अपर सरफेस पे हैं, ये अपर सरफेस के बहुत क्लोज हैं, और ये हमारे एपिडर्मिस के परपेंडिकुलर लाए कर रहे हैं, और इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. और अगर हम इसके नीचे वाली साइड पर जरा गौर करते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो सेल्स हैं वो लूजली पैक हैं, और इन लूजली पैक्ड ओवल शेप सेल्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्पंजी मेसोफिल सेल्स. अब इन दोनों सेल्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी बेस्टोव्ड विद क्लोरोप्लास्ट. और अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जूम करें. तो जब मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने जूम किया तो मुझे ये पता चला स्टूडेंट्स के इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, राइट. यू नो वेरी वेल, बहुत दफ़ा आपने ये बात पढ़ी है कि क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर. जब मैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हटा के क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड मूव कर रहा हूँ, लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम मूविंग इनटू अ वेरी ह्यूज स्पेस. और ये जो बहुत बड़ी सी स्पेस है इसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा, राइट. अब अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊँ कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, राइट, तो आप जिस क्लास में बैठे हैं, जिस कैविटी में बैठे हैं, दैट इज सराउंडेड बाई अ फोर साइडेड वॉल एंड देन अ रूफ, उस पर्टिकुलर कैविटी का नाम क्या है, स्ट्रोमा. और फर्स्ट रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास डिफरेंट क्या लगी हुई है, चेयर्स. जाहिर है वो चेयर्स उस कैविटी में रखी हैं जिसे हम क्लासरूम बोलते हैं, राइट. अब वो जो क्लासरूम की कैविटी है वो बेसिकली स्ट्रोमा है, और चेयर जिसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, यू कैन इमेजिन कि ये इसमें क्या है, ग्रैनम. अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैक्ड ग्रैनम के अंदर मूव करना चाहेंगे. आपको सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन नोन एज थैलाकोइड मेम्ब्रेन. अब सारी फीचर्स, सारी प्रॉपर्टी, सारी फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे बेस कर रही है, जिसे हम नाम कह देते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन. अब हम करेंगे स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को देखेंगे, राइट. तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिंगल लेयर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की क्या नजर आ रही हैं, डेफिनेटली फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, राइट. मैंने आपको बताया था वाइट बोर्ड पे कि जो फोटोसिस्टम टू है ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये पहले आता है हमारी इस पर्टिकुलर स्कीम में जिसे हम लोग जी स्कीम बोलते हैं. सो ये फोटोसिस्टम टू है, लुक एट दिस. इसके साथ अटैच है मेरे पास क्या, एक रिएक्शन सेंटर, ठीक है. इस फोटोसिस्टम के साइडों पर लुक एट दिस, ये जो पर्टिकुलर यू कैन से प्लेट और सॉसेज लाइक चीज़ें मैंने बनवाई हैं, दीज आर बेसिकली एनर्जी गैदरिंग सेल्स, राइट. एंड दे आर वेरी वेरी रिच इन ऑफ कोर्स लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स, दे मे बी क्लोरोफिल ए, इट मे बी क्लोरोफिल बी, और इट मे बी कैरोटीन्स, इट मे बी जेंथोफिल्स, व्हाटएवर. तो ये सारी की सारी जो मेरे पास पिगमेंट्स हैं, दे आर हेयर टू गैदर द सन लाइट. अब इनका ये काम तो ये है कि किसी एंटीना की तरह से ये सन लाइट को गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें. लेकिन इससे इंपॉर्टेंट काम ये है, अगर आपने कभी
डिश एंटीना को देखा हो तो आपको पता होगा कि डिश एंटीना के ऊपर एक रिसीवर भी लगा हुआ होता है, वो सारी की सारी वेव्स, लुक एट दिस एनिमेशन, कि वो सारी की सारी वेव्स जो इस पर्टिकुलर एंटीना के ऊपर फॉल करती हैं इवेंचुअली वो इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये होगा कि डिश एंटीना के दो काम हुए, नंबर वन कि उन्होंने उन पर्टिकुलर वेव्स को गैदर करना है और फिर उस पर्टिकुलर वेव को एक जगह पे कन्वर्ज भी करना है। सेम इज द केस विद द दिस आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये साइडों पे सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं जो लाइट को गैदर करेंगे, गैदर करने के बाद वो डायरेक्ट भी करेंगे जैसे कि डिश एंटीना के इसमें हो रहा है। अब ये एनर्जी चैनलाइज होकर डायरेक्ट होकर कहाँ जा रही है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के पास जा रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर के अंदर चीफ चीज क्या है, डेफिनेटली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये कब एक्साइट होगा, डेफिनेटली जब एनर्जी हमारे सराउंडिंग से आएगी। किसने दिया एनर्जी, सारे के सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स ने। अब ये एक्साइट हो गए, एक्साइट होने के बाद इट इज थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन, लुक एट दिस, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये लो एनर्जी लेवल पे था तो जाहिर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम थी, और जब ने इसको थ्रो किया तो अब इसकी जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गई। मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारे पास एक बहुत फास्ट बॉलर लाइक शुएब अख्तर और ब्रेटली, तो ये बेसिकली उस फोटो सिस्टम के मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, दैट इज लाइंग इन साइड रिएक्शन सेंटर। और जब ये बॉलर बॉल करेगा इट इज समथिंग लाइक कि अब उस पर्टिकुलर बॉल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसकी एनर्जी बढ़ गई है। तो सेम इज द केस है, जब रिएक्शन सेंटर ने एक्सेलरेट किया इस पर्टिकुलर बॉल को तो कहाँ थ्रो कर दिया, टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और मैंने आपको कल बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये बेसिकली कौन है, क्रिकेट कीपर है, दैट इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल ग्लव्स, विद स्पेशल फॉर एग्जाम्पल हेलमेट एंड गार्ड्स, राइट। अब ये एक चीज को मैं आपको एक और तरीके समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी हैमर थ्रो को देखा होगा, उस वाले केस में भी हमने एक दोहे की जो बॉल है उसको हम जंजीर से बांध लेते हैं और फिर उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, लुक एट दिस एनिमेशन, और हम किसी खास डायरेक्शन में जाने के बाद इस बॉल को हर्डल्ड अवे इनटू द एयर, हवा में छोड़ देते हैं और किसी खास डिस्टेंस पर जाकर ये गिर जाती है। जब तक ये वाला एथलीट घूम रहा है उसके अंदर हम क्या भर रहे हैं, एनर्जी भर रहे हैं, एनर्जी भर रहे हैं, एनर्जी भर रहे हैं। जितना ज्यादा एनर्जी इस पर भरी जाएगी उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये बॉल जाके फॉल करेगी। तो सेम इज द केस विद दिस रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है और किसी खास डायरेक्शन में इसे छोड़ देता है। डायरेक्शन कैसी है, लो पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। अब हाई पीई में जाने के बाद इसके किसके पास पहुंच गई है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गई है। याद रखें ये सारी की सारी चीजें किस में एम्बेडेड है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, राइट। इसके बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं तो आप लोगों को नजर आती है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन, जिसे हमने कल के नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लुक एट दिस, इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास लाए कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिल्कुल विसिनिटी में, हमसाएगी में, विसिनिटी का मतलब हमसाएगी साथ नजर आ रहा है आप लोगों को कौन सा मॉलिक्यूल, डेफिनेटली पी क्यू प्लास्टो क्विनोन। और ये जो हमारे पास प्लास्टो क्विनोन है इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम हमारे पास क्या था, साइटोक्रोम B6। और जो साइटोक्रोम B6 है अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, प्लास्टो साइरिन। अब जरा देखें कि जब जितना एनर्जी मैंने इसको लो लेवल से हाई लेवल में रेस करने में भरी थी वो एनर्जी अब यहाँ पे लूज हो रही है, लुक एट दिस, इट इज लूजिंग एनर्जी। और जो एनर्जी लूज हुई ये हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ATP, कल का लेक्चर याद करें, राइट। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा था, कहाँ पहुंच गया, फोटो सिस्टम वन के पास पहुंच गया। फोटो सिस्टम वन डिस्कवर पहले हुआ था लेकिन सीक्वेंस में बाद में आता है। अब ये जो फोटो सिस्टम वन है अब ये वही काम कर रहा है जो शुएब अख्तर ने किया था, सेम जैसे कल एग्जाम्पल दीजिए ब्रेटली है। नाउ ब्रेट द बॉल इज इन हैंड्स ऑफ ब्रेटली एंड ब्रेटली इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, इट इज एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने के बाद अब ये फिर बॉल को पिच कर रहा है, राइट। तो उसने बॉल को पिच कर तो जाहिर है उसकी KE बहुत बढ़ चुकी थी। इसको कैच कौन करे, एक्सेप्ट कौन करे, जाहिर है एंड अदर व्हाट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद लुक एट दिस, यहाँ पे फिर एक छोटी सी और चेन चल रही है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके एडिशन में क्या प्रेजेंट है, फेरेडॉक्सिन। अब जरा आप बात को गौर से देखिए, मैंने कल आपसे बात की थी कि दो चांसेस है कि फेरेडॉक्सिन या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे NAD को, अगर अपने इलेक्ट्रॉन उसने NADP को दे दिए तो ये कहलाएगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस जो मैंने कल डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, कि अब फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन NAD को नहीं दे रहा बल्कि उसने अपनी हैंडेडनेस को चेंज कर लिया। मैंने कल आपको सब्जी वाला डिस्कस भी किया था कि अब ये इलेक्ट्रॉन
एनएडी को नहीं दे रहा, एनएडीपी को नहीं दे रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से बार बार साइटोक्रोम बी सिक्स के पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में घूमते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो बार 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 सेम इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट एटीपी, तो इसे हम बोलते हैं व्हाट साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड जो हमने कल पहले डिस्कस किया था कि अगर एनएडी के पास चला गया तो एनएडीपी के पास अगर चला गया तो एनएडीपी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिवली चार्ज एनएडीपी के साथ अफिनिटी डेवलप कर चुका है या हो सकती है किसकी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली दे विल गिव राइज टू हाइड्रोजन एटम, और जब ये वाले हाइड्रोजन एटम्स एनएडीपी के साथ मिलेंगे तो एनएडीपी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये है कुछ बात जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, राइट। अब हम अगली भाग को लेकर चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपकी बुक के इसी पेज पर प्रेजेंट है, लुक एट दिस। अब दोबारा से हम फोकस कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर किस चीज को, थैलेकोइड मेम्ब्रेन को। इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के एक बाहर वाली जगह है, इसे हम क्या बोलते हैं, जायरोस्ट्रोमा, और एक इसके अंदर वाली जगह है, डेफिनेटली इट इज द ग्रेनम्स व्हाट मैट्रिक्स स्पेस कैविटी, राइट। एक जगह इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर है और जगह इस मेम्ब्रेन के बाहर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर थैलेकोइड मेम्ब्रेन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो, राइट, यानी कि फोल्डेड इनवर्ड और आउटवर्ड, वट एवर द केस मे बी, इसके जो अंदर का लूमन है, राइट, वो कहाँ लोकेट कर रहा है, डेफिनेटली ग्रेनम के अंदर, और इसके जो बाहर वाला एरिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर, राइट। अब आपने जरा बात को गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ग्रेनम ही वो जगह है कि जहां पे हम लोगों ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराई थी, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ था, प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन आयंस है, चूंकि वो कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, इनसाइड, जाहिर है वो इनसाइड ज्यादा है, बिकॉज कॉन्स्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली एक्यूमुलेटिंग और गैदरिंग व्हाट प्रोटॉन आयन इनसाइड। जब प्रोटॉन आयन्स इनसाइड ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, राइट, क्या क्रिएट होगा, ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और उसके रिजल्ट में इनसाइड प्रोटॉन आयन्स का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब क्या करें हम लोग, क्या इसको यहीं पे रहने देते, नेचर ने इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है उस प्रोसेस के लिए जिसे हम नाम देते हैं व्हाट, फॉस्फोरिलेशन। यानी कि हमने ये बात कही थी, आपको याद होगा कि सिंपल, जब इलेक्ट्रॉन पी क्यू से साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम बी सिक्स से प्लास्टोसाइलिन के पास आते तो एटीपी बनती है, मगर एटीपी बनती कैसे, उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है केमियो ऑस्मोसिस। अब सवाल ये कि मैं इसे केमियो ऑस्मोसिस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कि यू नो प्रोटॉन्स आर इन अ सर्टेन केमिकल, तो ये जो केमिकल्स हैं ये मूव करते हैं हमेशा फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वेयर इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, तो जाहिर है इन साइड ग्रेनम, वेयर इज कॉन्सेंट्रेशन इज लो, आउटसाइड द ग्रेनम मीन्स इन द स्ट्रोमा। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं अब ये मूव करेंगे फ्रॉम द ग्रेनम टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। अब जब ये यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो नेचर ने क्या किया, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करवाया, और वो प्रोसेस क्या है कि हमने एडीपी के साथ पीआई को जोड़ा। जब मैं एडीपी के साथ पीआई को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या बने स्टूडेंट्स, एटीपी। अब ये क्या हमारे सेल में कोई ऐसा रिएक्शन है जो विदाउट एंजाइम हो सकता हो, तो आंसर इज नो। तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसका नाम क्या है मेरे पास, एंजाइम, एंड दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेटेज। और ये जो मेरे पास एटीपी सिंथेटेज है ये एनर्जी लेता है प्रोटॉन के पास होने से, काम क्या करता है, एडीपी और पीआई को जोड़ के क्या बना देता है, एटीपी। तो जब 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 हमारे क्लोरोफिल के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो साथ साथ ही वाटर ब्रेक होगा, उससे हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये वाले प्रोटॉन्स जब केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी सिंथेटेज में से पास होंगे तो एटीपी बनेगी। अगली बात, इलेक्ट्रॉन किस पाथ से गुजरेंगे, दे विल मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये फिर दोनों अल्टीमेटली कंबाइन हो जाएंगे ऑन द एक्सटीरियर सरफेस बाहर, और इवेंचुअली क्या बनाएंगे, एनएडीपीएच2। सो ये दो प्रोडक्ट्स हैं
जो मेरे लाइट रिएक्शन का क्या है, गेन है। तो मैंने क्या गेन किया स्टूडेंट्स, नंबर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस हुए इनसाइड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस हुए आउटसाइड। तो यही है बेसिकली प्रोसेस ऑफ व्हाट केमियोसमोसिस। इसकी फर्दर डिटेल को हम बोर्ड पर अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डिस्कस करके आए हैं, दोबारा से रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट को। तो हमने ये बोला था कि ये मेरे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ग्रेनम, दीज आर ग्रेनम, और इनकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, थायलेकोइड मेम्ब्रेन। और इस पर्टिकुलर थायलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं वो सारी की सारी चीजें जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। जैसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये वाली चांस भी हो सकता है कि ये अंदर से कनेक्टेड हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका जो मेन फोकस है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास थायलेकोइड मेम्ब्रेन है इसकी दो सर्फेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। बिकॉज कि आप लोग पढ़ के आए हैं व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पता है कि हमारे पास इस तरह की बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड थी और उसके अंदर एम्बेडेड होती है डिफरेंट किस्म की चीजें, राइट। अब हमारा फोकस किस बात के ऊपर है कि केमी ऑस्मोसिस कैसे हो रही है। तो मैंने आपसे ही जिक्र किया था स्टूडेंट्स अभी कि हम बेसिकली वाटर को, चलिए हम एक पर्टिकुलर ग्रेनम को बड़ा कर लेते हैं। जब मैंने इसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर लिया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या नजर आया कि इस पर्टिकुलर थायलेकोइड मेम्ब्रेन की दो सर्फेसेस हैं। ये दो मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन एक ही है, इसकी दो सर्फेसेस हैं, एक इनर और एक आउटर। अब ये जो मेरे पास इनर सर्फेस है स्टूडेंट्स, ये कहाँ खुल रही है, टूवर्ड्स द लूमन ऑफ व्हाट ग्रेनम। और ये जो बाहर वाली सर्फेस है ये किस में ओपन हो रही है स्टूडेंट्स, जाहिर है स्ट्रोमा में, ये हमने डिस्कस किया था अभी। और इसके बाहर ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो नेवर कन्फ्यूज दीज थिंग्स टुगेदर कि ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये थायलेकोइड मेम्ब्रेन नहीं है, ये आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, और ये भी आपने याद रखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन थी, ये दो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नंबर वन मेम्ब्रेन नंबर टू, ये बात हो रही है किस चीज की, क्लोरोप्लास्ट की। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेनम की, तो ग्रेनम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। अब मैं उस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के दो सर्फेसेस की बात कर रहा हूं, एक ऊपर वाली सर्फेस और एक अंदर वाली सर्फेस, राइट। इस अंदर वाली सर्फेस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। जब मैं वाटर को ब्रेक डाउन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, जब सनलाइट आके इस पे फॉल होगी स्टूडेंट्स, तो उसके रिजल्ट में क्या क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, तीन चीजें, वन ऑफ देम इज एच प्लस यानी के प्रोटॉन्स, नंबर और हाइड्रोजन आयंस, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ O2, राइट। और अगर मैं यहां पे दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर दूं तो जाहिर है अब यहां पे चार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, चार ही प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं यहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल कर दूं तो चार प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, चार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जाहिर है मेरे पास एक कॉम्प्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे उतने ज्यादा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे और उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से मूव करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको याद है हमने जी स्कीम ड्रॉ की थी यहाँ पे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जी स्कीम के थ्रू मीन फोटोसिस्टम वन से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फोटोसिस्टम वन में आ जाएंगे, और फोटोसिस्टम वन से आने के बाद दे विल सेंड टू द एनदर व्हाट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर या तो वो मूव करेंगे नॉन साइक्लिक वे में और या फिर इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में क्या जनरेट करवाएंगे, जाहिर है एटीपी। तो ये तो मूवमेंट हुई किस की स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं या जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं, इसका क्या बनेगा, ये वाले हाइड्रोजन आयन्स जो कि इस वक्त अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में हैं और स्ट्रोमा में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हैं, ये अब इस पर्टिकुलर
डिवाइस में से गुजरेंगे, जैसे कि आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है, इस पर्टिकुलर चैनल में से गुजरेंगे। और जब यहाँ से गुजरेंगे स्टूडेंट्स, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और ये इस कोर्स में, इस सफ़र में क्या करवाएंगे, आपको याद है रेशम ने क्या बोला था कि एडीपी और पीआई को बनवाएंगे, राइट। और एडीपी पीआई जब इसमें से गुजरेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एटीपी, एटीपी बना स्टूडेंट्स, और प्लस हमारे पास क्या बात हुई कि जाहिर है ये वाले हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल गए। अब ये वाले हाइड्रोजन आयन जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, नाउ दे विल बी सेंट ओवर हियर, आपको याद है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। यहां से हमारे पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास NADP, कैसा NADP स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इनके पास वो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस नेगेटिवली चार्ज NADP के पास जब ये वाले हाइड्रोजन पहुंचेंगे तो ये वाले हाइड्रोजन आयन्स इसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे, NADPH2 में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये वाला, ये जो हाइड्रोजन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है वो भी विदाउट लॉजिक नहीं है, उससे बेसिकली हम लोगों ने एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनवाना है, दैट इज कॉल्ड एज NADP रिड्यूस्ड। और मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब हम NADPH2 प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में बेसिकली हम 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो NADPH2 इज अ बेसिकली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एंड दिस ATP इज बेसिकली अ लो एनर्जी मॉलिक्यूल, बट डेफिनेटली रेडी टू गिव एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल। तो इज वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये वाला प्रोसेस हो रहा है, इसे अपने नाम कहते हैं स्टूडेंट्स केमियोस्मोसिस। अगर आप थोड़ी सी और अच्छी बुक पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे विसिनिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स आयंस एक्युमुलेट हो जाते हैं तो फिर इन पर्टिकुलर आयंस को फर्दर बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है। इसको कौन इम्पोर्ट करेगा ताकि अंदर हाइड्रोजन पोटेंशियल मजीद बढ़ सकता हो, तो आंसर है यहाँ पे प्रेजेंट एक साइटोक्रोम जिसका नाम था साइटोक्रोम B6। अब ये वाला साइटोक्रोम B6 इन एक्सेसिवली एक्यूमुलेटेड प्रोटॉन्स आयन को भी इनफ्लक्स कर सकता है, अंदर भेज सकता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे तो प्रोटॉन मूव करके इनवर्ड, जब प्रोटॉन यहाँ से इनवर्ड मूव करेंगे तो जाहिर है फर्दर पोटेंशियल, फर्दर केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज, और जब वो ज़्यादा यहाँ से बाहर मूव करेंगे तो जाहिर है ज़्यादा ATP बनेगी। इस तरीके से ATP की फॉर्मेशन और NADPH2 की फॉर्मेशन एक कपल्ड रिएक्शन है, ये साइड बाई साइड चलते रहते हैं, और नेचर की क्वांटिटी कंट्रोल करती है थ्रू डेफिनेटली इंटरनल सेल सिग्नल। लेकिन एनी हाउ, जिस प्रोसेस से हम लोगों ने ATP बनाई है, चाहे वो साइक्लिक वे था या नॉन साइक्लिक वे था, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, केमियोस्मोसिस। तो ये थी डिटेल जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना था रिगार्डिंग केमियोस्मोसिस। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केमी इसलिए कि ज़रा यहाँ पे केमिकल 20 प्रोटॉन आयंस मूव कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, और नंबर टू ये मैंने रीज़न दे रहा हूँ इसकी, एक तो इसमें मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, और नंबर टू जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड टॉपिक, और अगले लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।